सिक्योरिटी के हिसाब से चलाया कि अपने जी नहीं, ये जो पार्टिकल साइज है ना सर, अगर ये पार्टिकल कंटिन्यूस यूनिफॉर्म मिलता है तो भी हमको दिक्कत नहीं, हम लोग उसके बाद भी ट्रायल करके हमारे इसको मैनुअल मोड में चला रहा, ऑटो मोड में नहीं है ये। बराबर, मैं ऑटो मोड में डालूंगा तो अपने आप ऑपरेट हो रहा, लेकिन वो मैं डालू कैसे मुझे डाटा ही पता नहीं है। वो तो हमारा ये काम करना चाहिए, हमारा ये अभी जो हमारा ये आप देखे ना, जैसे जैसे ये चलता जा रहा है अभी और स्मूथ होता रहा है, रनिंग स्पीड और स्मूथ होती जा रही है। हमारा मेन प्रिंसिपल ये काम करना, मतलब बात में जैसे जैसे चोक हो जा रहा था वो नहीं होना, वही आपके सामने सब वही वही डालो। एक्चुअली में क्या है, मैं इसकी कैपेसिटी से बढ़ा रहा है कि कैपेसिटी बढ़ाने आरपीएम बढ़ाएगा तो फाइन आएगा पार्टिकल, नहीं नहीं मत बढ़ा, तो मुझे दोनों को देखना पड़ रहा है। अच्छा, आपने जो मुझे समझाया था ये जो सेंसर के बाद में हमें पता चल जाएगा यहाँ और वहाँ क्या टेम्परेचर है। हाँ नहीं, वो जब पड़ेगा जब मैं इसको ऑटो मोड में डालू, ऑटो मोड में डालू। हाँ अभी क्या मैनुअल चला रहा हूँ मैं, ये ब्लैंक आ रहा है, वो इसलिए चला रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं कि कितनी लिक्विड देनी है।